तो आज के हमारे जो दो केसेस हैं, सिस्को सिस्टम्स और वेंडेले इंडस्ट्रीज, बोथ ऑफ दीज केसेस डील्स विद द सेम थीम, दैट इज दी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन। जो पहला हमारा केस है वो है सिस्को सिस्टम्स का, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद इट। अच्छा, इससे पहले कि हम इन दोनों केसेस का डिस्कशन जो है स्टार्ट करें, एक चीज जो पहले मैं क्लेरिफाई कर दूं कि ईआरपी सिस्टम जो है वो होता क्या है, ठीक है। ईआरपी सिस्टम इज बेसिकली एन एंटरप्राइज वाइड सॉफ्टवेयर सिस्टम, जिसका पर्पस जो है वो ये होता है कि पूरी की पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो, उसके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने अपने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल करने के बजाय किसी एक ही इंफॉर्मेशन सिस्टम को इस्तेमाल करें, और ईआरपी के डिफरेंट डेटाबेसेस नहीं होते। ईआरपी का एक ही सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है। डेटाबेस का मतलब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इट्स बेसिकली एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ स्टोरिंग द डेटा। तो ईआरपी हमें जो एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है फॉर एन एंटरप्राइज, वो ये हैं कि नंबर वन, देयर आर नो डिफरेंट सिस्टम्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एवरी डिपार्टमेंट यूजेस द सेम सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे गेट अ कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस इन ईच डिपार्टमेंट, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि एक डिपार्टमेंट का जो के पास जो स्क्रीन आ रही हैं वो कुछ और हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के पास जो स्क्रीन आ रही हैं वो कुछ और है। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि एक सेंट्रलाइज डेटाबेस इस्तेमाल हो रहा होता है, तो तमाम डिपार्टमेंट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही जगह पे स्टोर हो रही होती है। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि क्योंकि आप एक ही सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं तमाम लोगों के लिए, तो आप उस सिस्टम का जो एक्सेस है या उस सिस्टम के कौन से फंक्शंस आप देख सकते हैं, कौन से फंक्शंस आप नहीं देख सकते, उनको सेंट्रली आप कंट्रोल कर सकते हैं बहुत आराम से। और जो जो एक और बहुत बड़ा फायदा होता है टॉप मैनेजमेंट को, वो ये है कि अगर टॉप मैनेजमेंट रियल टाइम में ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को देखना चाहती है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस को देखना चाहती है, तो वो रियल टाइम पे उस परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। उसकी वजह जो है वो ये है कि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक सिंगल डेटाबेस में स्टोर हो रही है। ईआरपी सिस्टम्स के आने से पहले आईटी जो थी वो बिल्कुल मौजूद थी, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट जो थे वो अपने अपने इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करते थे अपने काम को परफॉर्म करने के लिए। और प्रॉब्लम एक ये आती थी कि जनाब कि अगर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन को जो है वो रिकनसाइल करना है अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, तो जैसा कि आप लोगों को दुबई पोर्ट्स अथॉरिटी का केस अगर याद हो, ये डिफरेंट एंटिटीज जो हैं वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जब इस्तेमाल करती हैं तो उनके दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल इसलिए नहीं होता बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग द सिमिलर डिजिटल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास इंटरऑपरेबिलिटी के मसले भी हल हो जाते हैं, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के प्रॉब्लम भी हल हो जाते हैं। रियल टाइम पर अगर आपको जो है वो डिपार्टमेंट्स की परफॉर्मेंस देखनी है वो भी देख सकते हैं, अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड परफॉर्मेंस देखनी है वो भी देख सकते हैं, ठीक है। सो देर आर अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स दैट एन ईआरपी सिस्टम प्रोवाइड्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो ईआरपी सिस्टम्स अवेलेबल हैं, देर आर सो मैनी ईआरपी सिस्टम्स अवेलेबल, हाउएवर देर आर अ कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट ईआरपी सिस्टम्स विच आर यूज बाई बोथ लार्ज एंड स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। द फर्स्ट ईआरपी सिस्टम इज कॉल्ड SAP R3, SAP R3, R/3, ठीक है, विच इज प्रोवाइडेड बाई द सिमेंस, विच इज अ जर्मन कंपनी। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट ई आर पी सिस्टम इज ओरेकल ई बिजनेस, प्रोवाइडेड बाई ओरेकल, विच इज एन अमेरिकन कंपनी। द थर्ड इम्पॉर्टेंट ई आर पी सिस्टम इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स, विच इज प्रोवाइडेड बाई द माइक्रोसॉफ्ट। इसके बाद SAP R3 की अगर आप बात करते हैं तो SAP का एक स्केल डाउन वर्जन, जो कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है वो SAP सिमिलर डेवलप किया है, उसे हम कहते हैं SAP Business 1। तो आई होप कि यहाँ तक जो है वो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एन ईआरपी सिस्टम इज, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाई द ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू इंप्लीमेंट एन ईआरपी सिस्टम। ओके, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पहले केस पे, दैट इज सिस्को सिस्टम। अच्छा, सिस्को सिस्टम्स का बैकग्राउंड जो है वो ये है कि इट इज बेसिकली अ नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट जो होते हैं, मिसाल के तौर पर जो है वो स्विचेज हैं, हब्स हैं, राउटर्स हैं, कि जो कि बेसिकली
हर ऑर्गेनाइजेशन की जो कि एक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप करती है तो उसको जो है ये तमाम चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो नो डाउट दैट दे आर द लीडर इन द नेटवर्किंग इक्विपमेंट अराउंड द ग्लोब इवन व्हेन दिस केस वाज रिटन। अब यहाँ पे इनको जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, अच्छा ये जो पहली स्लाइड है ये तो बेसिकली वही तमाम चीज़ें आपको बता रही है जो कि मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि ये एक ईआरपी सिस्टम जो है वो क्या करता है। अच्छा एक ईआरपी सिस्टम का एक और फायदा जो है हमें ये भी होता है कि एक ईआरपी सिस्टम जो है वो उसके अंदर जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं या जो बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, इट कम्स विद बिल्ट इन बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस या बेस्ट वे ऑफ डूइंग बिजनेस। इफ यू रिकॉल अवर वेरी फर्स्ट डिस्कशन ऑफ टू मच आईटी एंड द आईटी डजंट मैटर, ठीक है, और रिच कॉनस्टिकली जब मैंने बात की थी तो वहां पर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी आप किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक तो ये कि सॉफ्टवेयर अपने साथ जो फंक्शनैलिटी लेकर आया है, जो बिजनेस प्रैक्टिसेस लेकर आया है, जो प्रोसेसेस लेकर आया है, उनको आप एज इट इज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दें, यानी कि अपने प्रोसेसेस को अपनी ऑर्गेनाइजेशन को उस सॉफ्टवेयर के लिहाज से चेंज कर दें। और दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वो ये होती है कि आप सॉफ्टवेयर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस प्रोसेसेस के लिहाज से चेंज कर दें। दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी जो है वो आपको लेनी होती है, ऐसा नहीं है ताकि आपके आप कोई भी पॉसिबिलिटी जो है उसको अडॉप्ट ना करें। तो सिमिलरली एन ईआरपी कम्स विद इट्स ओन बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो दोनों केसेस है, दोनों केसेस में जो है वो इस बात को जो है डिस्कस किया गया है कि जनाब के ईआरपी आपको जो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करता है क्या आपको वो अडॉप्ट करनी चाहिए, या एक ईआरपी की जो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस हैं उन्हें अपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जो है वो चेंज किया जाना चाहिए, ठीक है जी। ओके अच्छा जनाब, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ये है कि जनाब मिस्टर पीट सॉल्विक जो है ये न्यू चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं सिस्को के, ठीक है, इन्होंने ज्वाइन किया है सिस्को को और इनकी ज्वाइनिंग पर इनका जो असेसमेंट है सिस्को सिस्टम के बारे में वो ये है कि सिस्को के आई हैव टोल्ड यू दैट सिस्को इज अ नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है, सो सिस्को इज बेसिकली अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो वही समझते हैं कि जनाब इनके जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं, लेगेसी हैं, और इन्हें जो है वो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है बिकॉज दे आर नॉट मच स्टेबल। दिस इज व्हाट द सीआईओ थिंक्स अबाउट द एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। सो दीज आर द टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स एज आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू इन एवरी केस, जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बताते हैं कि जनाब के ये केस जो है इस केस को जो है हम किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके पास कोई सिचुएशन आ जाती है तो ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव से मैच करके आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा केस है कि जिसको आप अपनी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपसे एडवाइस ले कि भाई हमें एक एआरपी सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है तो आप हमको बताइए कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग एन एआरपी सिस्टम। सो इफ़ यू लुक एट द टीचिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस केस, सो सेकेंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव इज to make you understand the process of implementing ERP. So this would be the case that you will consult if an organization asks you for such advice. Okay, ERP yes, concept jo hai janab maine aapko explain kar diya ki what the ERP is, theek hai, ek ERP system ke jo hai wo different modules hote hain, different subsystems hote hain. Whenever you install an ERP system you can choose which subsystems you want to install and which subsystems you do not want to install. Normally, ek ERP system jab kisi bhi organization mein implement kiya jata hai to tamam ke tamam subsystems jo hain wo ek sath implement nahi kiye jate, theek hai. Normally, ek system ya ek module jo hai implement kiya jata hai, uski wajah jo hai wo ye hai ki the cost of the whole complete ERP system is a lot. So normally we install one subsystem and if we feel the need then we go on and implement the other subsystems. Overall the ERP system is an integrated software. So if you install one module and then you go on and install the second module, there is not much difficulty because all the modules are tightly integrated. Okay janab, ab एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि जब हम बात करते हैं कि सिस्को के ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की, सो वी
try to understand that whether this project was successful or not, right? So one thing is for sure that this project was quite successful. Okay? As far as Cisco is concerned, Cisco thinks that it is a remarkably successful project. However, one important thing we would like to understand that what are some factors of success? How Cisco made that project successful? And another important thing for Cisco to learn from this project is that whether the various factors of success that they are identifying, are these factors replicable? Okay. If factors are replicable, these factors are going to vary from one case to another. So in that particular case, we would like to know that which factors are important in each case. So the good thing is that most of the success factors of ERP implementation project are replicable, are the same from one case to another. So if we can identify various success factors, then we can actually focus on these factors in our second ERP implementation project as well. Okay? So here the question is that what are the factors that made a difference between success and failure during a project? So if you go to the next slide, we see a lot of factors. Okay? The implementation characteristic ki hum baat kar rahe hain. These are basically the success factors. तो अब यहाँ पे आपका जो एक असाइनमेंट है वो ये है, मतलब ये वो असाइनमेंट से अलग है जो कि एलएमएस पे आ चुके, ठीक है। तो आपका एक असाइनमेंट जो है वो ये है कि यहाँ पर आपने इस टेबल को फिल करना है। जो सक्सेस फैक्टर जो है मैंने यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में लिस्ट किए हैं, आपने वो सक्सेस फैक्टर, और जब एक बात याद में रहे कि ये सक्सेस फैक्टर एज इट इज सेम अल्फाज के साथ केस में नहीं होंगे। यस सर, आपने हर फैक्टर को पिक करना है, इसके बाद आपने केस में जाना है और आपने जो है मुझे बताना है कि जनाब के ये जो सक्सेस फैक्टर्स हैं, ये केस स्टडी के किस पेज पे मेंशन हुआ है। और अगर आप ये समझते हैं कि ये सक्सेस फैक्टर जो है केस स्टडी में मेंशन नहीं हुआ, तो वहां पर आप इस सक्सेस फैक्टर के अगेंस्ट लिख देंगे नॉट मेंशन्ड इन द केस। यस, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल ये जो लफ्ज आप लिखेंगे नॉट मेंशन्ड इन द केस, सॉरी अल्फाज लिखेंगे, इन्हें लिखते हुए आपने एहतियात से काम लेना है, क्योंकि इसका मतलब जो है वो ये कि आप ये कह रहे हैं कि ये फैक्टर जो है ये प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। सो वी हैव टू बी केयरफुल ऑन दैट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब के वो कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, कि जो कि सिस्को ने इस ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में जो है फेस किए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हाउ सिस्को ओवरकम दीज ऑब्स्टिकल्स, ठीक है। अब नाउ there were various sorts of difficulties that Cisco faced in this particular project, theek hai, sabse jo pehli difficulty thi ya jo obstacle tha wo tha poor testing strategy, theek hai, ke Cisco ne jab ek naya system jo hai install kiya hai to us systems ko unhone jo hai wo jo test kiya, theek hai, to jo unki testing strategy thi that was not good enough. Kis tarah se सिस्को ने जब नया सिस्टम इंस्टॉल किया है तो उसके बाद उन्होंने अपने जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है उनको उन्होंने ये इंस्ट्रक्ट किया कि जनाब के आपने अब जो ट्रांजैक्शन करनी है नए सिस्टम के साथ वो आपने सीक्वेंस में करनी है। सीक्वेंस में करने का मतलब जो है वो ये कि पहले एक डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन करेगा, उसके बाद दूसरा डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन करेगा, और उसके बाद तीसरा डिपार्टमेंट जो है ट्रांजेक्शन करेगा नए सिस्टम के साथ। इस सिस्टम में एक जो फंडामेंटल फ्लॉ था वो ये था कि क्योंकि डिपार्टमेंट ने एक साथ ट्रांजेक्शन नहीं की नए सिस्टम के साथ, तो आप इस चीज को चेक नहीं कर सके कि फुल लोड पे, मैंने कि जब तमाम के तमाम डिपार्टमेंट जो है वो एक साथ सिस्टम के साथ ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या सिस्टम जो है वो इस लोड को बेयर कर पाएगा या नहीं बेयर कर पाएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है कि जैसे आप जो है वो अपने आपका जो अपना इलाका है उसमें जो है वो अपनी एक नई पीएमटी जो पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर होता है कि जो कि आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है वो अपने इलाके में इंस्टॉल करें, और इसके बाद जो है वो आप कहें कि जनाब के ये जो पीएमटी है ये 200 घरों को जो है बिजली प्रोवाइड करेगी, और इसके बाद जो है वो वेदर दिस न्यू पीएमटी इज वर्किंग फाइन और नॉट, आप तमाम घरों को जो है वो ये कहें कि जनाब के आप जो है वो एक एक करके अपने घर की लाइटें इंस्टॉल करें, सॉरी स्टार्ट करें। तो अगर
किसी भी घर की लाइट स्टार्ट करने में जो है वो कोई मसला नहीं होता था, उसका मतलब जो है वो ये कि PMT इज फाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बेसिक प्रॉब्लम क्या है, आपने ये देखना है कि जनाब के किसी भी एक नॉर्मल टाइम में ऐसा नहीं होगा कि जनाब एक घर की लाइटें जल रही होंगी बाकी सबकी बंद होगी, तमाम घरों की लाइट एक साथ चलेंगी, बिल्कुल। तो हमने ये देखना है कि फुल लोड पे सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है क्या होगी। सिस्को ने ये नहीं किया, दैट वाज द फंडामेंटल इशू विद देयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी। इस चीज को फिर बाद में जब इनकी टीम ने जो है जब रियलाइज किया, देन दे इंप्लीमेंटेड अ ब्रूट फोर्स एफर्ट। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको एक और काम है, वो ये कि आपने जो है वो ये बताना है कि ब्रूट फोर्स एफर्ट जो है वो क्या होती है, मतलब नोट कर लें, नोट कर लीजिए, और बाद में जो है वो आपने इसको जो है वो मतलब आई मे आस्क यू दिस थिंग व्हाट इज द ब्रूट फोर्स एफर्ट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने बार अलग को रिजॉल्व कर लिया कि भाई सिस्टम स्ट्रेस को, लेकिन यहाँ पे दो फैक्टर्स जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे कि जो कि इस ऑब्स्टेकल को ओवरकम जिन्होंने किया और बाकी ऑब्स्टेकल्स को भी जिन्होंने ओवरकम करने में सिस्को का हेल्प आउट किया। पहली चीज जो थी जनाब वो ये थी, अ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूटिव एंड वेंडर कमिटमेंट। इनकी जो टॉप मैनेजमेंट थी, टॉप मैनेजमेंट वाज वेरी कमिटेड कि जी हमने जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो हमने करना है, इस प्रोजेक्ट को हमने सक्सेसफुल बनाना है। सिमिलरली वेंडर वाज कमिटेड एज वेल, ठीक है, मतलब जो इनका जो सॉफ्टवेयर वेंडर था SAP Siemens, ठीक है, ये और जो हार्डवेयर वेंडर था जो उनको हार्डवेयर प्रोवाइड कर रहा था, ये दोनों वेंडर्स होते हैं, दे वर क्वाइट कमिटेड कि जी हमने जो है वो इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है। सिमिलरली जो इनकी जो टॉप मैनेजमेंट थी, टॉप मैनेजमेंट की जो थिंकिंग थी वो ये थी कि जनाब के हमने जो है वो इस सिस्टम को रोल बैक नहीं करना। एक चीज होती है ना कि जनाब के हम जो है पहले से एक सिस्टम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और हम नया सिस्टम लेकर आते हैं, तो अगर नए सिस्टम में जो है कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो जनाब हम जो है वो ये करेंगे कि हम नया सिस्टम जो है छोड़ देंगे और हम पुराने सिस्टम पे वापस चले जाएंगे। सिस्को की टॉप मैनेजमेंट जो थी उसने एक पॉइंट जो था बिल्कुल क्लियर किया हुआ था कि हमने जो है वो पुराने सिस्टम पे वापस नहीं जाना, सो देयर इज नो गोइंग बैक। तो बिल्कुल मोहम्मद बिन कासिम वाली कहानी थी कि जी हमने कश्तियां जला दी हैं, अब अगर हमने इस्तेमाल करना है तो ये नया सिस्टम ही करना है, वी विल नॉट गो बैक, ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरी चीज जो थी वो ये थी, इमेच्योर सॉफ्टवेयर का मतलब जो है वो ये है कि एट दैट टाइम व्हेन दिस केस वर रिटर्न, ठीक है, ईआरपी सिस्टम वर पॉपुलर, हाउएवर वो इतने ज्यादा स्टेबल नहीं थे, ठीक है, मतलब उनका जो कोड था, ये जो प्रोग्राम था वो उस वक्त जो है इतना ज्यादा स्टेबल या ज्यादा मेच्योर नहीं था। अब तो खैर ये सॉफ्टवेयर जो है बहुत ज्यादा मेच्योर हो गए, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम दे वर नॉट दैट मेच्योर। तो जो मेच्योरिटी की बात हो रही है, मेच्योरिटी का मतलब जो है वो ये कि जो उनका जो कोड है, ठीक है, कोड जो है वो कितना कॉम्प्रिहेंसिव है, ठीक है, वो कितनी चीजों को जो है बेफ्रत हैंडल कर सकता है, ठीक है, एंड सो मेनी थिंग्स। सो दिस इज व्हाट वी मीन बाय द इमेच्योर सॉफ्टवेयर। अच्छा, अब सिस्को जो है वो ये चाहता था कि जो फंक्शनैलिटी उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी है अपनी बेसिकली अपने प्रोसेस में, ठीक है, इट शुड बी ऑफ द शेल्फ। ऑफ द शेल्फ का मतलब जो है वो ये है कि वो चाहते थे कि जो सॉफ्टवेयर वो बाय करें तो सॉफ्टवेयर को बाय ऐसा सॉफ्टवेयर बाय करें कि जिसमें वो तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी ऑलरेडी इंक्लूडेड हो, ठीक है, जिसको वो इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, सो देयर शुड बी मिनिमम चेंजेस इन द कोड, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम जो थी वो ये थी कि जनाब के जो उनको जो भी जितने भी सॉफ्टवेयर उनको मिल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं जो है वो चेंज जो था वो कोड में रिक्वायर्ड था, तमाम की तमाम प्रैक्टिसेस जो थी उनको जो है वो आप एज इट इज जो है आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो अब इनके सामने जो डिफिकल्टी थी, वो डिफिकल्टी क्या थी, वो ये थी कि जनाब कि ये जो सॉफ्टवेयर को में आपने जो चेंजेस करने हैं, ठीक है, इफ यू रिमेम्बर अवर डिस्कशन ऑफ SDLC फ्रॉम ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो आपने जब भी सिस्टम में कोई चेंज करना होता है या फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर में कोई चेंज करना होता है, यू एक्चुअली हैव टू फॉलो a long systematic process in order to make a change, ठीक है, ये चेंज करना जो है वो इतनी आसान बात नहीं होती। Yes. So, in order to effectively and efficiently execute this software change process, what you need some very good technical people. उसके बगैर जो है वो ये चीज जो है ये आप execute नहीं कर सकते। तो सिस्को की जो के पास जो एक एडवांटेज था वो ये था कि they had a technically excellent staff. So they were able to manage this obstacle as well. Otherwise, वो ये कि हर organization के लिए possible नहीं हो सकता।
अच्छा जी, जो नेक्स्ट चैलेंज था सिस्को का वो था जनाब अंडर साइज टेक्निकल आर्किटेक्चर। अच्छा, टेक्निकल आर्किटेक्चर का मतलब जो है वो ये है कि आप ये कहते हैं कि भाई आपने ईआरपी जो है बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, एक एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर है। अब आप जो है वो ये एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे थे कि जब मैं सॉफ्टवेयर को ऑर्गेनाइजेशन वाइज मैं इम्प्लीमेंट कर दूंगा तो मुझे जो है वो इसको ऑर्गेनाइजेशन वाइड इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है वो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कितना रिक्वायर्ड होगा। टेक्निकल आर्किटेक्चर का मतलब जो है वो ये कहते हैं मुझे कितने डेस्कटॉप कंप्यूटर चाहिए होंगे, मुझे कितने फॉर एग्जाम्पल सर्वर्स चाहिए होंगे, ठीक है, मुझे कितना नेटवर्किंग इक्विपमेंट चाहिए होगा, ठीक है, मुझे कितना डिस्क स्टोरेज स्पेस चाहिए होगा, कितनी रैम चाहिए, कितनी प्रोसेसिंग पावर चाहिए। दिस इज कॉल्ड द साइज ऑफ द टेक्निकल आर्किटेक्चर। हाउएवर देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द साइजिंग ऑफ द टेक्निकल आर्किटेक्चर दैट whatever the size of the technical architecture Cisco estimated, it was actually 50% of what the Cisco actually required. They were 50% short of their actual technical architecture requirement. ठीक है, लेकिन इनके साथ जो एक luck हुई वो ये हुई कि सिस्को ने जो हार्डवेयर जो उनका वेंडर था उसके साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें उन्होंने ये क्लॉज डाला था कि जनाब कि अगर टेक्निकल आर्किटेक्चर जो है उसकी जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं उसका जो साइज एस्टिमेट कर रहे हैं उसमें अगर कोई इश्यू आया, कोई कमी बेशी हुई तो आप उसको हैंडल करेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। ठीक है, तो वो जो एक यहाँ पर जो बुनियादी तौर पर उनको जो मजीद एक्स्ट्रा जो उनको प्रैक्टिकल जो बेसिकली आर्किटेक्चर को उन्होंने एक्सटेंड करना था जो उनको चीजें चाहिए थी वो हार्डवेयर वेंडर ने बेयर की, सिस्को ने बेयर नहीं की। ठीक है, तो सिस्को वाज लकी एट दैट पॉइंट इन टाइम, लेकिन ऐसी सिचुएशन का फ्यूचर में होना ये इसकी बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी है। तो सिस्को जो है वो जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर इसी किस्म का करने के लिए जाएगा तो सिस्को के बाद ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो हार्डवेयर वेंडर था, हार्डवेयर वेंडर जो था वो हार्डवेयर वेंडर वाज वेरी सीरियस टू डू बिजनेस विद सिस्को, क्योंकि उसका ख्याल होता वो ये था कि एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और मुझे जो है फ्यूचर में जो है वो इससे काफी सारा काम मिल सकता है। तो उसने जो है वो इस चीज को जो है वो बेयर कर लिया, इस एक्स्ट्रा कॉस्ट को जो है वो उसने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इस चीज का फ्यूचर में होना जो है वो उसकी बड़ी रिमोट पॉसिबिलिटी है। सो इसको जो है वो वन टाइम पॉसिबिलिटी के तौर पर जो है सिस्को को लेना चाहिए। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जो बात करते हैं वो ये कि जनाब के क्या वाकई ये प्रोजेक्ट जो था वो सक्सेसफुल था या नहीं था। ठीक है, सिस्को ने जो है वो इसका जो एक बजट एस्टिमेट किया था वो किया था जनाब 15 million and 9 months। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जनाब $15 million में ये प्रोजेक्ट जो है कम्प्लीट हो जाएगा और जो टाइम ड्यूरेशन उन्होंने बताई जब एस्टिमेट की थी वो थी 9 months। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने ईआरपी टीम जो बनाई थी उन्होंने, ठीक है, तो जो उन्होंने लोग इनिशियली जो है वो उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जनाब हमको इतने लोग चाहिए होंगे, ठीक है, उतने लोग लगे नहीं, उन लोगों के अलावा भी जो है वो उन्हें जो है वो अपनी टीम में जो है लोगों को इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, सो देयर वाज एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ अदर पर्सनल दैट वर डिप्लॉयड ऑन द ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट एट सिस्को। ठीक है, और इन अदर लोगों को डिप्लॉय करने की जो टोटल कॉस्ट सिस्को को बेयर करनी पड़ी वो थी 10.24 million। अब यहाँ पे आपका जो एक और काम है वो ये है कि आपने मुझे ये बताना है कि जो मैंने 10.24 मिलियन कॉस्ट कैलकुलेट की है ये कैसे आई है। ठीक है जी, क्लियर है? जी सर। ओके, यस सर। ओके जी सर। जी सर। ओके जी, अच्छा अब आगे चलते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मेंशन की गई है इस केस में वो ये कि जनाब के जब ये ईआरपी इंप्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो सिस्को का जो सीआईओ है उसका अपना कहना था कि जनाब के आईटी डिपार्टमेंट ने उस साल जिस साल ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हुआ है आईटी डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं किया मां सिवाय ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि उन्होंने बाकी सारे जो काम करने थे वो बाकी सारे काम छोड़ दिए। अब जब बाकी सारे काम रोक दिया इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि देयर वॉज सम लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी जनाब $5.76 million। So once again, you have to provide me the calculations that how come this cost was $5.76 million. ठीक है जी, अच्छा इसके बाद जो इन्होंने 50% undersized
ईआरपी आर्किटेक्चर, ठीक है, इसकी जो कॉस्ट आई थी वो आई थी $2,400,000, ठीक है, जो सिस्को ने पे नहीं की, जो कि हार्डवेयर वेंडर ने की थी। तो अब आपका जो अगला काम है वो ये है कि आपने मुझे बताना है कि ये कॉस्ट क्या कैसे कैलकुलेट हुई है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन जो है ये आपको जो है ये केस जो है वो अच्छी खासी दफा जो है वो इंशाल्लाह आपको रिवाइज करवा देंगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, अभी कैलकुलेशन खत्म नहीं हुई, पिक्चर बाकी है अभी। हाँ अच्छा, अब जो टोटल कॉस्ट आई है ना सिस्को को, ठीक है, इस प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की, वो है जनाब $18.4 मिलियन। ओरिजिनल एस्टिमेट क्या था? 15 मिलियन। एक्चुअल कॉस्ट आई 18.4 मिलियन। इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि जो ओवर रन है वो है 122%, सही है। अब सवाल जो है वो ये कि जनाब के कितनी कंपनीज ऐसी होंगी कि जो के 122% ओवर रन के साथ कंप्लीट किए जाने वाले प्रोजेक्ट को एक सक्सेस समझेंगी, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी ये लास्ट बुलेट में मैंने आपको बताया है कि आपने इस केस को रिव्यू करके आपने मुझे बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट जो सक्सेसफुल अगर कंसिडर किया जाता है ना तो उसके तीन पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो है वो ये होता है कि जनाब की क्या ये प्रोजेक्ट जो था वो ऑन शेड्यूल कंप्लीट हुआ, मतलब जितनी आपने टाइमलाइन लगाई थी क्या ये उसी टाइमलाइन के अंदर अंदर कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज, जो आपने बजटेड कॉस्ट की थी क्या ये उसी बजटेड कॉस्ट के अंदर कंप्लीट हुआ। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये होती है कि जो स्कोप था प्रोजेक्ट का क्या वो विद इन स्कोप था या आपका जो प्रोजेक्ट था वो अपने स्कोप से आगे चला गया था। स्कोप का मतलब जो है वो ये है कि मिसाल के तौर पर मैं कहूँगा कि मैंने जो है वो कहा कि जी मैंने एक प्रोजेक्ट जो है वो एक डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, लेकिन जब इवेंचुअली प्रोजेक्ट फिनिश हुआ तो मुझे पता चला कि जनाब कि ये प्रोजेक्ट जो है ये एक डिपार्टमेंट में इम्प्लीमेंट होने के बजाय दो डिपार्टमेंट्स में इम्प्लीमेंट हुआ, या फॉर एग्जाम्पल एक डिपार्टमेंट में भी कम्प्लीटली इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि अगर ये एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में चला गया तो ये आउट ऑफ स्कोप हो गया, और अगर ये एक डिपार्टमेंट में भी पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये अंडर स्कोप हो गया। तो यू नीड टू टेल मी के शेड्यूल के हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से और स्कोप के लिहाज से जो है वेदर दिस प्रोजेक्ट वाज सक्सेसफुल और नॉट, ठीक है। अच्छा जी, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये, द साइज ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू फर्म साइज। सिस्को ने जब इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया तो उन्होंने उस वक्त जो है वो उनके जो रेवेन्यूज थे वो थे $500 मिलियन। तो इन्होंने जो है वो उस वक्त जो ये जो प्रोजेक्ट था ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन का, उसके लिए जो उन्होंने बजटेड कॉस्ट रखी वो रखी $115 मिलियन। लेकिन सिस्को का जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था, वो ये उन्होंने ये कहा केस के अंदर कि वी वॉन्ट टू बिकम अ $5 बिलियन कंपनी, सही है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जाम्पल ये कह रहे हैं कि जनाब के अभी इस वक्त जब मैं ये प्रोजेक्ट कंसीव कर रहा हूँ मैं $500 मिलियन की एक्टिविटीज कर रहा हूँ, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट, लेकिन मेरा जो फ्यूचर ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि जनाब के मैं $5 बिलियन की एक्टिविटीज करने के काबिल हो जाऊँ। 500 मिलियन का जब आप काम कर रहे हैं तो आपकी जो एक्टिविटीज हैं, आपके पास जो लोग हैं, आपके पास जो सिस्टम्स हैं, जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो कुछ और होंगी। और जब आप $5 बिलियन का काम करने लग जाएंगे तो आपकी एक्टिविटीज, नंबर ऑफ पीपल एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है, वो कहीं ज्यादा हो जाएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो आपने जब सिस्टम इंस्टॉल किया है, आप सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं ऐसा कि जो कि $500 मिलियन की एक्टिविटीज को हैंडल कर सकता है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? $5 बिलियन का। तो इसका मतलब जो है वो ये होगा कि जब ये प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट होगा तो बहुत जल्द फ्यूचर में ये ईआरपी सिस्टम जो अभी आपने इंस्टॉल किया है ये आपकी एक्टिविटीज को सपोर्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि आपने इसको इंस्टॉल किया है, डिजाइन किया है, इंप्लीमेंट किया है $500 मिलियन की एक्टिविटीज के लिहाज से। आपको जो करना चाहिए था वो ये करना चाहिए था कि आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं उसको आप एक तरफ रखें। आप ये सोचें कि जी प्रेजेंट तो ठीक है, ये हमारी एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि सिस्टम को इतना काम तो करना चाहिए, लेकिन हमारे सिस्टम की जो टोटल कैपेबिलिटी है
वो टोटल केपेबिलिटी $5 बिलियन की एक्टिविटीज को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर वही दोबारा मैं पीएमटी के एग्जांपल दूं, आप ये कहते हैं कि जनाब कि ये हमारी जो है ये रेजिडेंशियल सोसाइटी है, ठीक है, इसमें जो है वो अभी इसमें 200 प्लॉट्स हैं, लेकिन अभी जो इसमें घर हैं वो घर हैं 15, ठीक है। तो आप पीएमटी इंस्टॉल करते हैं और आप कहते हैं कि यार ये जो पीएमटी है ये 15 घरों को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, क्या ये पीएमटी जो है वो आपको अगले 20 साल में, और आपका टारगेट ये कि अगले 20 साल में आप अपनी सोसाइटी को मुकम्मल आबाद कर देंगे, तो क्या 20 साल के बाद ये पीएमटी जो है ये आपको सपोर्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसकी वजह जो है वो ये है कि आपने 15 घरों के हिसाब से ली थी। तो ऐसा ही ईआरपी सिस्टम के लिहाज से भी है कि आपने जब इसको इंस्टॉल किया तो आपने जो है वो उसको $500 मिलियन के लिहाज से खरीदा, तो बहुत जल्द फ्यूचर में क्या होगा कि ये जो सिस्टम है ये सिस्टम जो है ये आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इनको करना जो है वो ये चाहिए था कि जो इनका फ्यूचर टारगेट था $5 बिलियन, इन्हें उसके लिहाज से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी, ठीक है। तो अब अगर आप देखें $500 मिलियन जो है, ठीक है, ये एक्टिविटी कर रहे हैं, 5 बिलियन पे जाना चाहते हैं, तो एक्चुअली जो इन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया ना 15 मिलियन, इन्हें इसका 10 times ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करना था ईआरपी सिस्टम के ऊपर। ये चीज समझ में आ गई है? यस सर। गुड। तो ये एक फंडामेंटल फ्लॉ है और ये एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसी एरर होती है कि जो कि मोस्ट ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, ठीक है। नाउ यू कैन इमेजिन दैट कि एक इतनी बड़ी वर्ल्ड मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कि जो कि वर्ल्ड लीडर है नेटवर्क इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, अगर वो ये मिस्टेक कर सकते हैं तो छोटी मोटी जो कंपनीज हैं, छोटे मोटे जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, ठीक है, उनके लिए तो मतलब बेसिकली अगर वो ये एरर करते हैं या प्रॉब्लम होती है तो आप कहेंगे कि यार तो बड़ी बात नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन जो है वो ये कही थी कैन दे डू इट अगेन, क्या ये जो सक्सेस अचीव हुई थी क्या सक्सेस को जो है वो रेप्लिकेट कर सकते हैं? मोस्ट प्रोबेबली दे कैन डू इट एंड देर आर सर्टेन रीजंस। पहली चीज जो है वो ये कि जैसे हमने पहले भी बात की थी, दे हैव बेस्ट पीपल, दे हैव टेक्निकली एक्सलेंट स्टाफ, ठीक है। देन the second thing they have is the have best people on their team and they have the executive management structure, okay, which is quite supportive. They have an attitude that they don't take no as an answer. Unka jo objective hai, unki jo approach hai, wo ye hai ki janab ke no is nothing, okay. You must have I can do it approach. So number one, best people. Number two, the executive management structure that is very supportive for such type of project. So it is highly likely that Cisco can do it again. अच्छा जी, अब ये चीज जो है ये तो सबको पता ही क्या है, ठीक है ना? Assignment questions, ठीक है, जिनके बारे में मुकम्मल उम्मीद है कि इस तमाम discussion के बाद जो है आप लोगों को जो है वो इतनी जो है वो एहलियत और कैपेबिलिटी जो है वो हमारे अंदर आ चुकी होगी कि हम लोग जो है वो इन तमाम असाइनमेंट क्वेश्चन को जो है वो आंसर कर सकें, ठीक है। कोई भी आईटी सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं, हमेशा याद रखिएगा कि उस सिस्टम की जो कैपेबिलिटीज होती हैं तो वो कैपेबिलिटीज ऐसी होनी चाहिए कि जो आपके फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान से मैच करें। प्रेजेंट सिचुएशन को देख के आप सिस्टम बाय नहीं करते, ठीक है, आप बाय करते हैं ऐसा सिस्टम के जो कि आपको फ्यूचर में भी बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड कर सके, विदाउट एनी इशू, विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है रन कर सके, ठीक है। अब हम मूव करेंगे अपनी सेकंड केस स्टडी के ऊपर, ठीक है, एंड दैट इज मेंडल इंडस्ट्रीज, ठीक है जी। ओके, अच्छा, अब थीम वही है, अब हम बात कर लें जनाब मेंडल इंडस्ट्रीज की, ठीक है। वेंडल इंडस्ट्रीज बुनियादी तौर पर जो है वो एक इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। $8 बिलियन का टोटल जो है वो रेवेन्यू है, ठीक है, और इनकी जो है वो 14 फैसिलिटीज हैं, ठीक है, और ये चाहते हैं कि ये ईआरपी सिस्टम जो है वो उसको इंस्टॉल करें, ठीक है। और इन्होंने भी जो है वो बुनियादी तौर पर जो सॉफ्टवेयर जो सिलेक्ट किया है वो सिलेक्ट किया उन्होंने Deloitte and Touch जो है ये बुनियादी तौर पर वो कंसल्टिंग फर्म है जिसको वेंडल इंडस्ट्रीज ने जो है हायर किया है, और Deloitte and Touch ने
लेन क्रेमर जो है खातून है, ठीक है, इनको मर्द बना दीजिएगा, इनको जो है वो हायर किया है उन्होंने कि भाई आपको जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है वो पी का, तो मैंने आपको जो है पहले बता दिया है बेस्ट प्रैक्टिस है, तो बाकी तमाम चीजें जो है वो आपको मैंने बता दी है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे दो तरह की जो है वो पॉसिबिलिटीज जो है वो होती हैं जब आप ईआरपी सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं, जो कि यहाँ पर उन्होंने बताई है, ठीक है। एक जो है उसको कहते हैं जनाब क्लीन शीट रीडिजाइन। क्लीन शीट रीडिजाइन का मतलब जो है वो ये है जनाब के जो भी कुछ है इस वक्त, ठीक है, उसको डिस्कार्ड कर दो और तमाम की तमाम चीजें जो है वो उनको बिल्कुल नए सिरे से जो है वो आप इंस्टॉल करो, इसीलिए उसको कहते हैं क्लीन शीट। जो टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन होता है उसका मतलब जो है वो ये होता है कि जनाब के आपका जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आपके एग्जिस्टिंग सिस्टम को सॉफ्टवेयर के ऊपर लाया जाए और सॉफ्टवेयर आपको जो बेस्ट प्रैक्टिसेस प्रोवाइड कर रहा है उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है वो अडॉप्ट किया जाए या अकोमोडेट किया जाए जहां पर पॉसिबल। इसको हम कहते हैं जनाब टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन। और डेलॉइट एंड टच जो है वो बेसिकली इस टेक्नोलॉजी इनेबल्ड बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन अप्रोच को फॉलो करता है व्हेन दे इंप्लीमेंट द ईआरपी, ठीक है। अच्छा, अब आगे मूव करते हैं जनाब हम। ये टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इस केस के, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब एनालिसिस की, ठीक है, कि केस के जो एनालिसिस हैं, ठीक है, जो केस के एनालिसिस है उसको जो है हमने कितने पार्ट्स में यहाँ पर ब्रेक किया, ठीक है। तो पहला जो पार्ट है वो है जनाब इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ईआरपी एंड आर3। द सेकंड एस्पेक्ट इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसिडरेशन, देन द अप्रोचेस टू प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंड देन कंपैरेटिव इंप्लिकेशंस ऑफ द वाइड स्प्रेड ईआरपी अडॉप्शन। तो अब फर्स्ट एस्पेक्ट, ठीक है, द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ईआरपी एंड आर3। अच्छा, अगर आप इस केस की जो है वो फिगर वन देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जनाब के ये कि जो आर3 है, ठीक है, जब ये 1992 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसके बाद से जो है वो कितना जो क्विकली जो है वो उसको अडॉप्ट किया गया है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। यस सर। जो इसके फीचर्स हैं वो फीचर्स आपको मैंने पहले बता दिए हैं, ठीक है। पहली चीज जो है वो ये कि जब आप ईआरपी सिस्टम को आप इंस्टॉल करते हैं इट यूजेस द एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स। ऐसा नहीं है कि जनाब के आपको जो है वो नए सिस्टम लाने पड़ते हैं। नए सिस्टम लाने की जरूरत आपको उस वक्त पड़ सकती है कि अगर आप समझते हैं कि जो आप नए प्रोसेस आप इंप्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे आपके जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स हैं दे आर नॉट सफिशिएंट एनफ। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रिचकॉन स्टील की बात की थी कि रिचकॉन के पास जो कंप्यूटर सिस्टम थे वो 1969 के कंप्यूटर सिस्टम थे कि जिनको वो चला रहे थे, खींच रहे थे। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि उनका जो सॉफ्टवेयर सिस्टम था वो चलता ही उस हार्डवेयर के ऊपर था। तो अगर आपका भी सिचुएशन वही है तो उस सूरत में जो है हो सकता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कंप्यूटर इस्तेमाल ना कर सकें और आपको नए कंप्यूटर जो है बाय करना पड़े। लेकिन अगर जो है वो ऐसी सिचुएशन नहीं है, बहुत पुराने कंप्यूटर्स नहीं है, देन यू कैन कंटिन्यू यूजिंग दैम। देयर इज अ सिंगल डेटाबेस, जैसा मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, सीमलेस इंटीग्रेशन होती है, यानी कि जो डिफरेंट जो मॉड्यूल्स हैं ईआरपी सिस्टम के दे इंटीग्रेट विद ईच अदर सीमलेसली। पता नहीं चलता आपको कि ये अलग अलग मॉड्यूल है। एक कंसिस्टेंट यूजर इंटरफेस प्रोवाइड होता है, ठीक है। प्रोसेस ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, मतलब आपका जो बिजनेस प्रोसेस है उसको देखते हुए ये सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। मतलब जब आप मेन्यू ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो वो जो मेन्यू ऑप्शन है वो मेन्यू ऑप्शन जो है डिजाइन किए जाते हैं इस बेस पर कि आपका जो प्रोसेस है वो क्या है, ठीक है। सेविंग्स ऑफ कोर्स, आप डिफरेंट सिस्टम को जो है वो अपने डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें आप इंस्टॉल करते हैं। इसके बजाय जो है वो जब आप एक बड़ा सिस्टम ले आते हैं जिसका कंसर्न यूजर इंटरफेस होता है तो देयर ऑफ कोर्स देयर आर considerable cost savings, and then there is one stop shop. You don't have to go and buy different information systems for different departments. You can go to just one company for the SAP and you can buy the software that is going to be used by all the departments. Okay. Acha, liye to khair uske advantages hain. Ab sawal jo hai wo ye hai ki jab ke uske jo hai wo kuch disadvantages bhi hain aapke paas SAP ke ERP ke, theek hai. तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है जनाब इनवर्ट फेसिंग सॉफ्टवेयर। इनवर्ट फेसिंग सॉफ्टवेयर का मतलब जो है वो ये है कि दिस सॉफ्टवेयर इज नॉर्मली डिजाइंड फॉर वन कंपनी। यस सर, मल्टीपल कंपनी के लिए डिजाइन किया था तो ज्यादा पता है कि मल्टीपल कंपनीज के लिए जो है वो मतलब इसका डिजाइन अकोमोडेट नहीं करता। दूसरी चीज जो है वो ये है कि एक क्लोज्ड प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, ठीक है। इनकी अपनी एक प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, जिसको आपने जिसमें आपको एक्सपर्टीज जो है वो हासिल करनी होती है इफ यू वांट टू चेंज द कोड ऑफ द ईआरपी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये ओपन सोर्स नहीं है जिसमें हम ये कहेंगे जी मिसाल के तौर पर
सी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सी प्लस प्लस में लिखा हुआ है, मॉडिफाई नहीं हो सकती ना सर। उसको उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको जो सॉफ्टवेयर वेंडर की जो प्रोप्राइटरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो केस में मेंशन है, एबैप जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर आपको एक्सपर्टीज चाहिए। और इवन देन अगर आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर एक्सपर्टीज है तो भी आप सॉफ्टवेयर में कोई चेंज वेंडर की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जिस वक्त ये केस लिखा गया है उस वक्त जो है ये जो ईआरपी सॉफ्टवेयर थे इनके अंदर ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि जनाब कि ये के जो इंटरनेट जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, या सॉफ्टवेयर हैं, उनके साथ इंटीग्रेट कर सकें। इन सिंपल वर्ड्स दे वर नॉट ई कॉमर्स रेडी, ठीक है, बट इट वॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम, ठीक है। अब जो है वो ऐसा जो है वो नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो है वो जनाब पुश बेस्ड मॉडल ऑफ प्रोडक्ट बेसिकली जो है वो ये कि फॉर एग्जांपल अगर आप जो है जैसे कोई आप जेआईडी बेस्ड अगर आप मॉडल जो है आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो जेआईडी बेस्ड मॉडल में जो है वो आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ये बहुत ज्यादा हेल्प आउट जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है इट्स डिफिकल्ट, इट्स टिपिकल। उसकी वजह जो थी वो ये थी कि जैसे केस में बात की है देर आर अ लॉट ऑफ स्विचेस दैट यू हैव टू सेट। स्विचेस का मतलब क्या होता है? स्विचेस का मतलब जो है वो ये है कि जनाब कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो आपको सिस्टम में ऑन करनी है और कौन सी फंक्शनैलिटी जो है वो आपको सिस्टम में ऑफ करनी है, ठीक है। इसे हम कहते हैं स्विच। सो इन एन ईआरपी सिस्टम एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वर अ लॉट ऑफ स्विचेस दैट यू हैड टू कॉन्फिगर कि कौन सी फंक्शनैलिटी होनी चाहिए और कौन सी फंक्शनैलिटी नहीं होनी चाहिए। सो द सिस्टम कॉन्फिगरेशन वॉज अ टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। देन सैप is an expensive software, ठीक है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि जो कि हम जाके हम कहेंगे भाई रेनबो सेंटर से जो है हम जाके इसकी 50 रुपए में 150 रुपए में जो है उसकी डीवीडी खरीद लेंगे। इट कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स टू इम्प्लीमेंट इट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा जी, अब आ जाए जनाब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसिडरेशन फॉर डेलॉयट एंड वेंडेले, यानी कि क्लाइंट वर्सेज द कंपनी दैट इज गोइंग टू इंस्टॉल इट, ठीक है। यूज ऑफ कंसल्टेंट, अच्छा देखें ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना उसमें आपने कंसल्टेंट्स को लाजमी इस्तेमाल करना होता है। उसका रीजन जो है वो ये है जनाब कि आप जो सिस्टम आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं आपके पास हो सकता है कि उसकी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन एक्सपर्टीज ना हो, आपके लोग जो है वो उसके साथ जो है वो यूज टू ना हो। दूसरी चीज जो है वो ये कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि क्लोज प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड है, तो अगर आपको चेंजेस करने हैं तो नॉर्मली जो सॉफ्टवेयर का जो वेंडर होता है वो भी अगर कंपनी के साथ डायरेक्टली काम करेगा तो वो भी अपने कंसल्टेंट जो है वो अपॉइंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक थर्ड पार्टी कंसल्टेंट हायर करते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो दे कैन मैनेज इट बेटर। तो नॉर्मली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईआरपी को इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त अपने पास से जो है वो इसका मतलब समझ लें कि इस टास्क को इम्प्लीमेंट नहीं करती, इस टास्क को कम्प्लीट नहीं करती, दे नॉर्मली हायर कंसल्टेंट्स टू डू दिस टास्क, ठीक है। जैसा कि हमने यहाँ पर जो है बताया कि दो रीजन होते हैं। पहला रीजन जो है प्रोसेस का है, इट इज हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड रिक्वायर्स डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज। नंबर टू, ईआरपी सिस्टम जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं ना तो ये जो इसके जो ये जो चेंजेस लेकर आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में इनका स्केल बहुत लार्ज होता है, ठीक है। ना सिर्फ आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज करता है बल्कि आपकी बिजनेस प्रैक्टिसेस भी चेंज करता है, ठीक है। तो इन दो रीजंस की वजह से नॉर्मली जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं दे ऑलवेज हायर कंसल्टेंट्स फॉर इंप्लीमेंटिंग ईआरपी, दे डू नॉट डू इट देमसेल्फ, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो एक इशू है, ठीक है, अराउंड द यूज ऑफ द कंसल्टेंट्स इन द केस ऑफ वेंडेले, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये मेंशन किया है 50% का, ठीक है, तो इसका मतलब जो है वो ये हुआ, इसका मतलब जो है वो ये हुआ कि डेलॉयट एंड टच जो है वो जब मेरे पास जो है वो जो कंसल्टेंट्स को जो है अपॉइंट कर रहा है तो 50% कंसल्टेंट जो है वो तो वो हैं कि जिनका जो है वो मतलब या तो मतलब एक्सपीरियंस 2 साल से कम है या वो ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने जो है वो अभी सीखना शुरू किया, ठीक है। लेकिन डेलॉयट एंड टच जब मेरे पास कंसल्टेंट को भेजेगा तो उन्होंने तो सिंपली जो है मुझे ये कहा कि जनाब के भी कि 50% ऑफ कंसल्टेंट्स आई हैव मोर देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, बट व्हाट अबाउट द अदर्स। तो तुम मेरे पास जो है वो अगर कंसल्टेंट भेजोगे तो मैं तो नहीं पूछ रहा ना कि इसमें से कौन सा कंसल्टेंट जो है उसका 2 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और कौन सा कंसल्टेंट ऐसा है कि जिसका 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है। तो हो सकता है कि मैं जो है वो ऐसे कंसल्टेंट के लिए भी पैसे पे करूं कि जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है बल्कि जो कि मेरी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन से सीखने आया है,
तो मेरे प्रोजेक्ट से सीख भी रहा है और मैं उसको जो है पैसे भी पे कर रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद जनाब प्रोजेक्ट बजट एंड ओवररन, ठीक है। अच्छा, अब इसमें होता यह है कि नॉर्मली जो आपके पास जो एक जो आप कॉस्ट फिगर जो आप एस्टिमेट करते हैं ना कि आपने जो है वो कितना जो है फॉर एग्जाम्पल टाइम लगेगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप कंसल्टेंट को हायर करेंगे तो कंसल्टेंट्स की जो है फीस क्या होगी, ठीक है। नॉर्मली दे चार्ज यू पर आवर, जब कंसल्टेंट आते हैं तो पर आवर बेस पे आपको चार्ज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है वो जो अपना जो जो बजटेड कॉस्ट है और बजटेड टाइम है, ठीक है ना, उसको जो है वो बहुत केयरफुली एस्टिमेट करें कि भाई आपको जो है वो कितना पैसा जो है वो लग सकता है, ठीक है। फिर जो मेजर कॉस्ट फिगर्स होती हैं, कंसल्टेंट फीस होती है, जो आपने फुल टाइम टीम लगानी है, ठीक है। फुल टाइम टीम में जो है वो जाहिर बात है आप अपने लोगों को जो है वो उठा के जो है वो लगाएंगे ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन पे, तो उनको भी जो है वो आपने पैसे पे करने हैं, ठीक है। इसके अलावा क्योंकि वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन से लोग हैं तो वो आपका जो एक्चुअल काम है उस एक्चुअल काम को छोड़कर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में जब लगेंगे तो उसका मतलब जो है वो ये है कि वो जो एक्चुअल काम है वो कोई और करेगा। जब वो कोई और करेगा तो आपको उसको भी पैसे पे करने पड़ेंगे। फिर आपको अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी देनी पड़ सकती है, मोस्ट केस में आप ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग की कॉस्ट भी है। तो कई दफा ऐसा होता है कि जब आप कॉस्ट को बजट करते हैं तो बजटेड बजट में अगर आप गलती कर जाएं टाइम के लिहाज से या कॉस्ट के लिहाज से, तो होता जो है वो ये जनाब कि आपका प्रोजेक्ट जो है पूरा नहीं होता और आपका बजट खत्म हो जाता है एंड यू हैव नो मनी लेफ्ट, तो वो आपके लिए बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है। अब ये टेबल आपको फिल आउट करना है, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल मुझे बताना है कि जनाब आपके टोटल प्रोजेक्ट का टाइम फ्रेम क्या था, आपने मुझे बताना है कि जी नंबर ऑफ फुल टाइम कंट्रीब्यूटर्स डेलॉयट और वेंडेले के कितने कितने थे, ठीक है। मतलब अलग अलग बताने और फिर इकट्ठा करके बताने, फिर टोटल नंबर ऑफ वेंडेले एम्प्लॉयज के जिनको ट्रेनिंग चाहिए थी वो कितने। इसके बाद आपने मुझे ये बताना है कि जनाब आपके एवरेज ट्रेनिंग टाइम उन एम्प्लॉयज के लिए जिनको ट्रेनिंग चाहिए थी, ठीक है। तो वेंडेले इंडस्ट्रीज का अजम्पशन क्या था कि वो कितना होगा, ठीक है। सिमिलरली उनका क्या अजम्पशन था कि कंसल्टेंट का बिलिंग रेट क्या होगा एवरेज, और एवरेज वेंडेले एम्प्लॉय सैलरी क्या होगी। सिमिलरली आपने बताना कि जनाब आपके जो एक्सपेंसेस थे उसमें टोटल कंसल्टिंग फी कितनी थी, टोटल सैलरी एक्सपेंस कितना था फॉर फुल टाइम टीम मेंबर्स ऑफ वेंडेले, और इसके बाद टोटल सैलरी एक्सपेंस जो था वो कितना था जनाब वेंडेले एम्प्लॉय का, और इसके बाद जो है वो आपने इन तमाम एक्सपेंसेस को जमा करके जो है मुझे बताना है कि जो टोटल जो एक्सपेंस था वो टोटल एक्सपेंस कितना था, ठीक है जी। ठीक है, ओके गुड। अच्छा जी, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि जब आप एक ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो इसको आप स्कोप कैसे करते हैं। स्कोप का मतलब क्या है कि भाई मेरी एफर्ट जो है वो कितनी चीजों को कवर करेगी, कितने डिपार्टमेंट को कवर करेगी, क्या मतलब इस प्रोजेक्ट में क्या होगा और क्या नहीं होगा, इसको हम कहते हैं स्कोप। तो मिसाल के तौर पर कितने मॉड्यूल इंस्टॉल होंगे, कितने डिपार्टमेंट में इंस्टॉल होंगे, कितनी देर में इंस्टॉल होंगे, क्या क्या फंक्शन इंप्लीमेंट किए जाएंगे, एवरी थिंग इज पार्ट ऑफ अ स्कोप। अच्छा, ओवररन क्या होता है? ओवररन का मतलब जो है वो ये कि मिसाल के तौर पर आपका टाइम ओवररन हुआ, टाइम ओवररन का मतलब जो है वो ये कि भाई जितना टाइम आपने बजट किया था आप उस टाइम से आगे चले गए, उससे ज्यादा ले गए। कॉस्ट ओवररन का मतलब जो है वो चले गए, हाँ जितनी कॉस्ट आपने बजट की थी आप उससे आगे चले गए। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है कि हर ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट में ये जो ओवररन होते हैं, ठीक है, चाहे वो स्कोप के हों, कॉस्ट के हों, टाइम के हों, ठीक है, ये दे आर वेरी कॉमन, दे आर क्वाइट फ्रीक्वेंट। तो क्वेश्चन जो है वो ये कि जनाब के जनाब ये जो कॉस्ट और टाइम के खासतौर जो ओवर रन हैं ये बड़े कॉमन हैं, तो ये क्यों होते हैं। तो पहली चीज जो है वो ये है कि जनाब मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ओवर रन होते हैं, ये ओवर रन जो है वहां पर आपको ज्यादा नजर आएंगे कि जहां पे जो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है उसका स्कोप लार्ज होता है। लार्ज स्कोप की सूरत में जो है इट इज क्वाइट कॉमन के आपके जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जब वो एक साथ मिलकर बैठते हैं और वो इसका एस्टिमेट लगाने की कोशिश करते हैं कि जनाब के कितनी बजटेड कॉस्ट होगी या कितना जो है वो टाइम लगेगा, तो उसमें हर आदमी जो अपनी बुनियादी तौर पर एक जो इनपुट दे रहा होता है, ठीक है, वो उस इनपुट के सही या गलत होने का हमारे पास जो है वो कोई उस वक्त कोई ऐसा मेजरमेंट स्केल नहीं होता,
ये कितना सही है कितना गलत है, ठीक है। खास तौर से उस वक्त के जब आप पहली दफा ईआरपी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट नॉर्मली जो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है उसमें क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने तौर पर डिसाइड कर रही होती है कि कॉस्ट और टाइम जो है वो कितना होगा, तो इसमें ये गलतियां जो है ये बड़ी कॉमन है, ठीक है। जैसा कि सिस्को के केस हमने देखा कि इवन एक आईटी फर्म, एक मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत लार्ज कंपनी जो है, जब वो टाइम और कॉस्ट ओवररन इनकर कर सकती है, तो उसका मतलब जो है वो ये है कि जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो खासतौर से नॉन आईटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए ये टाइम और कॉस्ट का ओवररन जो है वो होना कोई ऐसी नई बात जो है वो नहीं है, इट इज नॉर्मली पॉसिबल। सवाल जो है वो ये कि जनाब कि ये जो ओवररन जो होते हैं, ठीक है, इनको जो है वो क्यों टॉलरेट किया जाता है। भाई टॉलरेट इसलिए किया जाता है कि नॉर्मली जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये रिगार्ड ये करती है कि जनाब कि हमें जो है वो फर्स्ट स्टेज पे जो है वो कंसल्टेंट्स को एंगेज करने की जरूरत नहीं है कॉस्ट और टाइम की कैलकुलेशन करने के लिए। उसकी वजह जो है वो ये होती है कि जाहिर है कि आप अगर एक थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, अब इसके एक मिसाल इस तरह से लें कि आपने जो है वो एक घर बनाना है, अब घर बनाने के लिए जो है मिसाल तौर पर आप कहेंगे जनाब कि मैं जो है वो घर खुद बना लूँ, ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल मैं जो है वो घर जो है बनाने और ठेका दे दूँ। जब आप ठेका देते हैं तो ठेका देते वक्त जो है वो आप क्या काम करते हैं, आप जो है वो जिस ठेकेदार से आपने घर बनवाना है कभी भी उससे कॉस्ट या टाइम एस्टिमेट तो नहीं ले लेंगे ना, क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये कि आपको पता है कि जनाब इसी ठेकेदार ने जब काम करना है, तो अगर मैंने इसी से पूछा कि भाई बताओ कॉस्ट और टाइम कितनी लगेगी, तो जाहिर है उसने तो बड़ा चढ़ा के बताना है कि इतनी कॉस्ट लग जाएगी और इतना टाइम लग जाएगा। सो इट्स बेसिकली अ ट्रस्ट इशू, इट्स बेसिकली अ ट्रस्ट इशू। सो व्हाट यू ट्राई टू डू, यू ट्राई टू एक्चुअली एस्टिमेट द कॉस्ट एंड टाइम योरसेल्फ, ठीक है। मेनी ऑफ द टाइम दिस कॉस्ट एंड टाइम कैन बी रॉन्ग, कैन बी इनएक्यूरेट, बट यू विल टॉलरेट इट बिकॉज यू बिलीव दैट इफ यू हायर सम थर्ड पार्टी और इफ यू हायर द सेम पार्टी दैट इज गोइंग टू डू दिस प्रोजेक्ट, देन देर इज a higher probability that you will be paying more cost. हो सकता है कि वो जो है वो आपको जो टाइम बता रहा है उसी टाइम में तो प्रोजेक्ट कंप्लीट करवा दे, ठीक है, और उसी कॉस्ट में भी कंप्लीट करवा दे कि जो कि उसने बताई हो, लेकिन बाद में आपको ये पता चले कि जनाब कि वो टाइम जो है वो तो शायद उन्हें ठीक ही बताया था लेकिन कॉस्ट जो थी कॉस्ट उसने आपसे ज्यादा ले ली, ठीक है जी। ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको कॉस्ट ओवर रन का और टाइम ओवर रन का? यस सर। जी सर, गुड। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब अप्रोचेस टू प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। अच्छा, अब जो क्रेमर है उसका जो पहला जो डायलेमा है वो ये है कि जनाब इनके जो बेसिकली जो डिफरेंट जिनकी फैसिलिटीज है, जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जो प्लांट्स हैं उनके, ठीक है, उसके जो मैनेजर्स हैं, उसके मैनेजर्स जो है वो ये चाहते हैं कि इनके जो एम्प्लॉइज है ना जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के, उनको जो है वो शामिल किया जाए, मतलब उनसे राय ली जाए कि जो ईआरपी सिस्टम नया इंस्टॉल हो रहा है उसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, क्रेमर जो जो अप्रोच है या जो डेलॉयट एंड टच की जो अप्रोच है ये है कि एक ईआरपी सिस्टम के अंदर जो बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस इंक्लूडेड हैं, ठीक है, दे आर गुड एनफ फॉर मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेसेस एंड दे मस्ट नॉट बी चेंज, ठीक है। तो उन प्रैक्टिसेस को, मतलब कहने का मतलब जो है वो ये कि एक वो ये समझते हैं कि एक ईआरपी सॉफ्टवेयर को जब कोई ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रही है तो उन्हें ये चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर की जो प्रैक्टिसेस हैं या जो सॉफ्टवेयर उनको जो प्रैक्टिस बता रहा है उसको मिनिमल चेंज के साथ एक्सेप्ट कर लें, और अगर वो चेंजेस करने भी हैं तो चेंजेस करने के लिए जो है वो पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन से फीडबैक नहीं लेंगे, वो सिलेक्टेड लोगों से फीडबैक लेंगे और उस फीडबैक को इनकॉर्पोरेट करेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? यस सर। अब यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो ये हो रहा है कि जो विंडल इंडस्ट्रीज के जो फॉर एग्जाम्पल जो मैनेजर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी आप हमारे सारे लोगों से पूछें कि सिस्टम में जो है वो क्या चीज जो है होनी चाहिए और क्या चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और जो ईआरपी कंसल्टेंट है वो हेजिटेंट है कि जनाब कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे ख्याल से जो है वो ये कि ये बेस्ट अप्रोच नहीं है और सॉफ्टवेयर जो है उसकी फंक्शनलिटी जो है वो अफेक्ट होगी, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आए ये जो थर्ड बुलेट है ना, दिस इज व्हाट द क्रेमर्स थॉट इज, बेस्ट प्रैक्टिसेस आर इंटेंडेड टू बी एज स्टैंडर्डाइज्ड एज पॉसिबल,
ठीक है, तो मिनिमम इनपुट फ्रॉम द यूजर। अच्छा जी, अब क्रेमर का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो ये जनाब के अब उसको ये समझ में नहीं आ रही है कि जनाब के अब मैं क्या करूं। मिसाल के तौर पर जो है वो जो सिचुएशन हो रही है, अब वो सिचुएशन में जो है अब प्रॉब्लम जो आ रही है कि कहाँ पे मैं इन्फोर्स करूँ स्टैंडर्ड प्रोसेसेस को, और कहाँ पे जो है वो मैं जो यूजर है उसकी इनपुट को लेके जो है वो प्रोसेस को मैं चेंज करूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब कुछ रूल्स बन सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि भाई हम काम कैसे करेंगे। तो पहला रूल जो है वो ये जनाब कि हम सिर्फ उन प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करें कि जो के डेटाबेस में कोई एंट्री क्रिएट करेंगे या डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड चेंज करेंगे। ये वो प्रोसेसेस होंगे कि जनाब के जो के क्रूशल है, क्योंकि आपको पता ना कि डेटाबेस एक सेंट्रल डेटाबेस है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे जा रही है। तो ऐसा कोई भी प्रोसेस जो कि डेटाबेस में चेंज लेकर आता है वो प्रोसेस क्रिटिकल है, तो हम जो है वो उस प्रोसेस को नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। नंबर टू जो है वो ये है, इंश्योर दैट द एक्सटर्नल इंटरफेसेस दैट वेंडरले प्रेजेंट्स टू अदर फर्म्स आर एज कंसिडर पॉसिबल। अब ये जो ERP सिस्टम है, इस ERP सिस्टम को वेंडरले के जो कस्टमर्स हैं या जो सप्लायर्स हैं उनके साथ भी कनेक्ट होना है, क्योंकि अब तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक ही सिस्टम के ऊपर आ जाएगी ना। तो हमने एक चीज पर और एग्री करना है कि हम जो यूजर इंटरफेस डेवलप करेंगे, ठीक है, अगर हमारे जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं या जो हमारे जो लोग हैं वो अगर चाहते हैं कि भाई ये जो यूजर इंटरफेस है उसमें चेंजेस आने चाहिए, तो हम वहां पे चेंज कर देंगे। लेकिन वो यूजर इंटरफेस जो हमारे कस्टमर्स को जाएगा, हमारे सप्लायर्स को जाएगा, एक्सटर्नल पार्टीज को जो है हम इंटरफेस दिखाएंगे उसको हम एक जैसा रखेंगे, ताकि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी। इसके बाद तीसरा जो है वो ये है कि इंश्योर दैट बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेसेस आर एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल। तो अब यहाँ पर भी वो रिजिस्ट कर रहे हैं कि जो इंटरनल इंटरफेस भी जो होगा, इंटरनल इंटरफेस को भी जो है वो हम कोशिश जो है वो ये करेंगे कि कम से कम उसके अंदर जो है वो हम चेंजेस लेकर आए, ठीक है। और जो फोर्थ रूल है वो है स्टैंडर्डाइज एज मैनी बेस्ट प्रैक्टिस एंड पॉसिबल एंड डू नॉट अलाउ साइट्स टू मेक चेंजेस टू देम। तो अगर आप डेलॉयट एंड टच के जो जो पॉसिबल ग्राउंड रूल्स इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं उसको अगर आप देखें, तो बेसिकली उनका स्टांस जो है वो ये है कि भाई कि हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो बहुत अच्छी है, वो जो बहुत अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड्स हैं, तो खुदा के वास्ते अपने जो आइंस्टाइन, अपना जो बुकरात और अस्तु जो आप तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं उनको इस्तेमाल मत करो, हम जो तुम्हें बात बता रहे हैं उसको तुम एज इट इज एडॉप्ट कर लो, इम्प्लीमेंट कर लो, क्योंकि अगर तुम उसके अंदर चेंजेस लेकर आओगे तो उसमें जो है वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए हो जाएगी, ठीक है जी। सही। अच्छा जी, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस रेंज इंजीनियरिंग एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं जनाब के जो जब हम रेंज इंजीनियरिंग की हम बात करते हैं ना, तो रेंज इंजीनियरिंग में जो है वो एक प्रॉब्लम जो है वो ये होता है कि रे इंजीनियरिंग रिलाय करती है, वो रिलाय इस बात पर करती है बेस्ट प्रैक्टिस के ऊपर। मतलब जब भी आप कोई री इंजीनियरिंग एफर्ट करेंगे तो आपके पास जो है वो एक सेट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो मौजूद होना चाहिए, और आपका जो ओवरवेलमिंग थॉट होता है उन बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में वो ये होता है कि दीज आर द बेस्ट एंड दीज बेस्ट प्रैक्टिस कैन बी अप्लाइड टू एनी कंपनी, ठीक है। डिपेंड करता है कि मतलब बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो किस इंडस्ट्री के लिए, लेकिन जब एक इंडस्ट्री के लिए, एक सेक्टर के लिए जो है अब आपने अपने सॉफ्टवेयर में बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट कर ली, तो अब आप जब भी रेंज इंजीनियरिंग की आप बात करेंगे आप ये कहेंगे कि जी ये बेस्ट प्रैक्टिसेस आर दी बेस्ट, यू मस्ट इंप्लीमेंट देम। लेकिन इस अप्रोच का एक ड्रॉबैक जो है वो ये होता है कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, नो मैटर हाउ बेस्ट दे आर, ठीक है, वो लोग के जो के इन प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट करेंगे या इस्तेमाल करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर द बेस्ट सोर्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो उन लोगों की जो इनपुट है या उन लोगों की जो फीडबैक है उसको इन बेस्ट प्रैक्टिसेस में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी इसलिए होता है कि दैट्स हाउ यू कैन अचीव बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पर जो है वो हम कहेंगे कि जी के वेस्ट हमको बहुत सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस देता है, लेकिन वेस्ट में जो इसलिए चल जाती है क्योंकि वेस्ट का जो वर्किंग कल्चर है, ठीक है, वो डिफरेंट है हमारे वर्किंग कल्चर से,
वही बेस्ट प्रैक्टिस जब हम यहाँ पर एक पाकिस्तान में एक री इंजीनियरिंग एफर्ट करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो वो कामयाब नहीं होती अगर हम उस बेस्ट प्रैक्टिस को एज इट इज इम्प्लीमेंट करें. रीजन उसकी वजह जो है वो ये है कि वो बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो एक वेस्टर्न वर्किंग कल्चर के हिसाब से बनी है. जब उसको हमारे वर्किंग कल्चर में आप लेकर आएंगे तो उस बेस्ट प्रैक्टिस के अंदर जो है वो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. रिमेंबर बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या है? बेस्ट प्रैक्टिस का मतलब जो है वो ये है कि इट इज अ प्रैक्टिस दैट प्रोवाइड्स यू एफिशिएंट प्रोसेसेस. इट प्रोड्यूसेस मोर, इट मेक्स द प्रोसेस मोर प्रोडक्टिव. ठीक है, तो अगर वर्किंग कल्चर्स के साथ वो मैच नहीं करेगी प्रैक्टिस, तो नतीजा जो ये निकलेगा कि वो बजाय इसके कि वो आपको बेनिफिट दे, वो आपको उल्टा नुकसान पहुंचाएगी. ठीक है, तो जो ग्राउंड पे जो लोग मौजूद हैं उन्हें इन्वॉल्व करना जरूरी होता है, जो कि डिलॉयट एंड टच ने यहाँ पे नहीं किया. ठीक है, वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ये बेस्ट इज द बेस्ट, वी डोंट वॉन्ट टू टेक योर इनपुट एंड वी विल टेक इनपुट ओनली when we think it is necessary, otherwise we will not take your input. अच्छा जी, अब fourth point is the competitive implications of the technology-enabled change. Technology-enabled change का मतलब वही है जैसे कि Deloitte and Touch जिसको follow कर रहा है कि जनाब हम आपको जो best practices देंगे, जो हम software के through आपको implement करवाएंगे, ठीक है, आपको अपने आपको उसके लिहाज से जो है वो change करना पड़ेगा. ठीक है, so yes, use of R3 can actually provide you the reduced overall lead time. Acha lead time kya hota hai janab? Sir, product ke manufacturing hone se lekar customer ke pahunchne delivery tak ka jo waqt hota hai sir. Yes, theek hai. So yes, no doubt ke aapka jo R3 software hai, it can help you reduce the lead time. Iske baad jo hai wo aap matlab ek dafa jab aap SAP aap implement kar lenge to yes, you can have the competitive edge over your rival. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और जो important चीज है वो ये है जनाब कि simply ERP को implement कर देने से आपको competitive advantage gain नहीं हो जाता, और अगर competitive advantage gain हो भी जाता है तो वो sustainable नहीं होता. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट, हाँ, तो मिसाल के तौर पर जैसे Deloitte and Touch कह रहा है ना कि भाई हम जो best practice दे रहे हैं आप बस उसको implement कर लें और ये आपके लिए जो है ये बेस्ट रेसिपी है, लेकिन अगर डेलॉयट एंड टच जो है वो इन्हीं बेस्ट प्रैक्टिस को जाके जो है वो आपके कंपेटिटर के पास भी इंप्लीमेंट कर देता है, तो क्वेश्चन जो है वो ये है कि फिर आप में और आपके कंपेटिटर में फर्क क्या रह जाएगा? सस्टेनेबिलिटी नहीं है. दिस इज वेयर द इनपुट फ्रॉम द पीपल ऑन द ग्राउंड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो लोग है कि जिन्होंने जो है सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना आगे चलाना है, तो अगर आप जब तक इनके इनपुट को फीडबैक को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तब तक जो है वो आपका सिस्टम जो है वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा. एक जो आपका जो कंसल्टेंट है ना, आपका कंसल्टेंट जो है वो बेसिकली इसको रिफ्यूज या रेजिस्ट इसलिए करता है क्योंकि उनको पता है कि जनाब के इस इनपुट को सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने के लिए दे विल हैव टू मेक एक्सटेंसिव एफर्ट्स. ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं सकते, ठीक है, वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें लगती है एफर्ट, और हर ऑर्गेनाइजेशन का में उनको जो चेंजेस करने होंगे वो चेंजेस जो है वो डिफरेंट होंगे, वो जो एफर्ट जो है वो डिफरेंट होगी. आपने एक दफा जो है वो अपना एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि जनाब ये मैंने इस तरह से मैंने काम करना है. सो बेसिकली कहने का मतलब जो है वो ये है कि जो कंसल्टेंट होता है, कंसल्टेंट जो है वो आपकी जो फीडबैक है उसको सॉफ्टवेयर के अंदर इनकॉर्पोरेट करने में इसलिए हिचकिचाता है, इसलिए रिलक्टेंट होता है, क्योंकि उनके लिए सादा आसान काम जो है वो ये होता है कि जनाब कि उन्होंने जो एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट जो बनाई हुई है ना कि ईआरपी सॉफ्टवेयर को जो है मैंने इम्प्लीमेंट करना है और बेस्ट प्रैक्टिसेस को जो है मैंने एज इट इज इम्प्लीमेंट कर देना है, तो उससे जो है वो उनका टाइम बच जाता है. ठीक है, आप यूँ समझ लें कि जनाब के ज़्यादा कम से कम वक्त में जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स के पास जो है वो अपने इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट को आप कम्प्लीट कर सकते हैं. अगर कस्टमर जो है आपसे कहता है कि भाई कि नहीं आपने जो है वो मेरी फीडबैक लेनी है, उसको आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, व्हाट विल हैपन, दे विल हैव टू थिंक डिफरेंटली. ठीक है, दे विल हैव टू थिंक डिफरेंटली एंड दे विल हैव टू चेंज देयर मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंगली. ठीक है, इनको अपने ब्लू प्रिंट डॉक्यूमेंट में चेंज लाना पड़ेगा. ठीक है, नो डाउट कि भाई आपको जो है वो उसके जो है पैसे, सीधी बात है आप तो परावर के लिहाज से चार्ज कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आपको तो परावर के लिहाज से पैसे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक और इशू क्या है, वो इशू जो मैंने आपको बताया था 50% वाला. यस सर,
ठीक है, आपको पता है कि आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अभी आप सिखा रहे हैं, वो इस पोजीशन में नहीं है कि जनाब के वो जो है फॉर एग्जाम्पल एक कस्टमाइज प्रोजेक्ट को हैंडल कर सके। ठीक है, तो बेस्ट आपके लिए क्या है, बेस्ट ये है कि एक जो मैंने स्टैंडर्डाइज ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट बना लिया है, मैं उसी के ऊपर जो है वो अपने जो नए आने वाले कंसल्टेंट्स हैं उनको मैं ट्रेन कर दूं, और इसके बाद जो है फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपने सीनियर कंसल्टेंट को एक से ज्यादा साइट्स पर इंगेज करना है, काम करवाना है, तो मैं उसको इंगेज कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी वजह जो है वो ये है कि सीनियर कंसल्टेंट जो है काम शुरू करवाएगा, जूनियर कंसल्टेंट को जो है वो ब्लूप्रिंट देगा, कहेगा भाई इसमें जो स्टेप लिखे हुए हैं उनको तुम फॉलो करो, मैं जो है बाकी काम करके आ रहा हूँ। ठीक है, ये लोग नहीं है। सो दिस इज द इशू के जिसकी वजह से जो है वो री इंजीनियरिंग की जो एफर्ट होती है उसमें कई दफा जो है वो फेल भी होती है, क्योंकि आपने वो जो सो कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिस दी होती है उस बेस्ट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करते हुए वो जो यूजर होते हैं कि जिन्होंने उन बेस्ट प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना होता है उनकी फीडबैक जो है वो आपने इनकॉर्पोरेट नहीं की होती। ठीक है, रिमेम्बर द एग्जांपल ऑफ रिचकॉन स्टील, आपने जो सॉफ्टवेयर बाय किया था वो इंडस्ट्री के लिए था, लेकिन आपका जो बिजनेस था वो सर्विस बिजनेस था, वो सर्विस बिजनेस के लिए नहीं बना था डिस्ट्रीब्यूशन। तो सॉफ्टवेयर को मतलब नो डाउट कि जो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा था, लेकिन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से आपको कोई कॉम्पिटिटिव एज नहीं मिला ना, आपको सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना था। सिमिलरली एक ईआरपी सॉफ्टवेयर जो आप लेकर आते हैं तो आपको उसे कस्टमाइज करना पड़ता है, अपने अपने पास जो कैपेबिलिटीज हैं, आपके जो अपने यूनिक प्रोसेसेस हैं उनको एकोमोडेट करने के लिए, बिकॉज दिस इज व्हाट योर स्ट्रेंथ इज। अगर आप जो है वो अपनी उस स्ट्रेंथ को जो है फॉर एग्जाम्पल साइड लाइन कर देंगे और आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर जो आपको कह रहा है कि बेस्ट है उसको अडॉप्ट कर लेंगे, तो आप अपने बेस्ट को कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे, आप कॉम्पेटिटिव एडवांटेज गेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू लर्न फ्रॉम दिस पर्टिकुलर केस स्टडी। ठीक है अच्छा जी, अब अगर हम इसको रिकैप करें, समरी ऑफ एनालिसिस, ठीक है, वी डिस्कस द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ईआरपी एंड R3। ठीक है, हमने इसके प्रोस की भी बात की, और इसके बाद जो हमने इसके जो है कॉन्स की बात की। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशंस की बात की, हमने यूज ऑफ कंसल्टेंट्स की बात की, हमने कॉस्ट एंड टाइम के ओवररन्स की बात की, हमने ये भी कहा कि टाइम एंड कॉस्ट ओवररन्स जो है वो इतना ज्यादा कॉमन जो है वो क्यों होते हैं, बड़ा डिटेल में हमने इसको डिस्कस किया। इसके बाद जो है मैंने आपको जो है वह छोटा असाइनमेंट भी दिया है कि आपने मुझे बताना है कि जनाब की ये जो कॉस्टिंग है, ठीक है, प्रोजेक्ट की ये कॉस्टिंग जो है वो किस तरह की गई, कौन कौन से डिफरेंट अजम्पशन लिए गए थे, ठीक है, कितनी जो है वो फॉर एग्जाम्पल जो जो पीपल रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह जो है एस्टिमेट किया गया है। इसके बाद मैंने अप्रोचेज टू प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन की और बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात की, मैंने आपको बताया कि जनाब के कंसल्टेंट जो है वो किस तरह से रिलक्टेंट होते हैं उन बेस्ट प्रैक्टिसेस को चेंज करने के बारे में, जो कि एक ईआरपी सॉफ्टवेयर जो है वो लेकर आ रहा होता है। और हमने ये भी बात की कि जनाब के मेंडेल इंडस्ट्री में जो एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये भी है कि जो इनके जो मैनेजर्स हैं मेंडेल इंडस्ट्रीज के, वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि जनाब के हमारे जो यूजर्स हैं उनकी जो थिंकिंग है और या उनकी जो फीडबैक है उसको जो है सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए, जबकि डिलॉयट एंड लिटिल जो है वो बुनियाद तौर पर जो है वो डिलॉयट एंड टच जो है वो उसको जो है वो रिजिस्ट कर रहा है। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है दीज आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू मस्ट इम्प्लीमेंट, और इसके जो रीजन है जिसका जो बैकग्राउंड है वो हमने बड़ा डिटेल में जो है हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद कंपैरेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एनेबल्ड चेंज, इसमें हमने जो बात डिस्कस की वो ये है कि जनाब के सॉफ्टवेयर के ही थ्रू जो है वो आप कंपैरेटिव एडवांटेज लेके नहीं आ सकते। ठीक है, आप जो टेक्नोलॉजी इनेबल चेंज लेकर आ रहे होते हैं उस चेंज में आपने जो द पीपल ऑन द ग्राउंड की वॉइस को इंक्लूड करना होता है, क्योंकि जब तक आप उनकी वॉइस को इंक्लूड नहीं करेंगे तो वो जो बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो इट मे वर्क एट वन लोकेशन बिकॉज द वर्क एनवायरमेंट एंड द पीपल आर सुटेबल फॉर दैट बेस्ट प्रैक्टिस। हाउएवर द सेम बेस्ट प्रैक्टिस इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी इनेबल चेंज कैन नॉट वर्क बेस्ट फॉर यू बिकॉज योर वर्क एनवायरमेंट, योर वर्क कल्चर एंड योर पीपल आर डिफरेंट, so you have to customize it. ठीक है जी, अच्छा, और इसके बाद जो है वो ये वो चीज आ गई कि जो कि हर दफा हमारे सामने आती है। जी सर, बिल्कुल। ठीक है जी, असाइनमेंट क्वेश्चंस।